हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इस स्थिति में हम कुछ पढ़ाई करना चाहिए और दोस्तों कुछ सीखना चाहिए। तो MPPSC SSC के लिए अपन कुछ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग टॉपिक अपन सीखना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, कथन और निष्कर्ष से कुछ सवाल आते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, यानी बस समझ नहीं पाते क्या उत्तर सही दे। सभी उसमें चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, कुछ कुछ स्थिति में सही हो जाते हैं, कुछ स्थिति में सही नहीं हो पाते हैं। तो ये दोस्तों इन्हें कैसे अपन हल करना चाहते हैं, है ना, सीखिए। पहला कथन दिया है, सभी लड़के ईमानदार हैं। फिर दिया, राम ईमानदार है। ये तो उसका कथन हो गया। फिर निष्कर्ष क्या निकला, राम एक लड़का है, सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के हैं। निष्कर्ष एक निकलता है, अगर एक सही हो तो अपन एक पे राइट लगा, ए लिखे। अगर निष्कर्ष दो निकलता है, अगर दूसरा निष्कर्ष, ये इसका दूसरा निष्कर्ष राइट हो, इन दोनों में से अगर दूसरा राइट हो, सही हो, तो अपन बी को राइट करें, है ना। यदि न तो एक या नहीं दो निकलता हो, यदि एक भी गलत हो और दूसरा भी गलत हो तो अपन सी लगाए। और चौथा ऑप्शन है, यदि एक और दो दोनों निष्कर्ष निकलते हो, एक भी सही हो और दूसरा भी सही हो, तो फिर अपन डी ऑप्शन राइट लगाए, ठीक है। इस तरह से इसका ऑप्शन प्रश्न आते हैं। सबसे पहला क्या कहा उसने, सभी लड़के, जितने लड़के हैं वो सब ईमानदार है। देखो डायग्राम बनाएंगे अपन, ये वाला डायग्राम है ना, सभी लड़के, इसके अंदर क्या है, सभी लड़के हैं। अब ये लड़के क्या है, ईमानदार है। अब ये किसकी श्रेणी में आते हैं, सब लड़के क्या है, बेईमान कोई नहीं, ईमानदार है। सभी लड़के क्या है, ईमानदार है। ये इसकी पहली बात हो गई कि सब जितने लड़के वो सब क्या है, ईमानदार है। तो पहले एक कथन हुआ इसका। फिर दूसरा कथन क्या है, राम ईमानदार है। अब राम क्या है, वो ईमानदार है। तो राम एक लड़का है और वो भी क्या है, ईमानदार है। तो राम यहां आ जाएगा, ठीक है, राम भी क्या है, ईमानदार है। अब इसने क्या कहा कि देखिए, पहला वाक्य इसका पढ़िए इसको अच्छी तरह से। अब निष्कर्ष पे देखिए, आप राम यहां पे है, वो लड़का है। राम लड़का है कि नहीं है, सोचो इसमें राम लड़का है कि नहीं है, कि जितने लड़के हैं सब ईमानदार है और ईमानदार में राम है, राम ईमानदार है। तो राम क्या है, एक लड़का है। यानी पहला निष्कर्ष तो अपना सही है ना? अब दूसरे पे जाते हैं, दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है इसका, है ना, दूसरा देखते हैं। सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के हैं। अब इसने क्या कहा, सभी ईमानदार, ईमानदार तो है, सभी व्यक्ति लड़के हैं। अब ईमानदार, सभी ईमानदार लड़के हैं यूं कहे, सभी ईमानदार लड़के हैं यूं कहे, तो अपन इसको राइट कर सकते हैं। लेकिन सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के हैं, तो व्यक्ति तो कहीं आया नहीं है। सभी लड़के ईमानदार है, ये कहे तो ठीक है, सभी लड़के ईमानदार, सभी ईमानदार लड़के हैं तो भी ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के हैं, व्यक्ति व्यक्ति तो इसमें कहीं शब्द नहीं आया है, इसलिए डी ऑप्शन अपना फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन सा फॉलो करा, एक, तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन राइट अपना राइट हो गया, ठीक है। एक और सवाल अपन देखते हैं इसका, देखिए इसके बहुत सारे सवाल करने पड़ेंगे तब जाके दिमाग में आएगा, इतनी आसानी समझ में आने वाला नहीं है। फिर कथन है, कुछ कमरे पत्थर है। अब देखो, कुछ कमरे, कमरे तो है लेकिन कुछ, सभी कमरे नहीं है। पहले आपको कमरे का ऑप्शन बनाना पड़ेगा, ये कमरे का ऑप्शन है आपका। अब इस कमरे में सभी कमरे पत्थर नहीं है, सभी कमरे अगर पत्थर होता तो पूरे पे गोला लगता, सभी पत्थर है। या अपन क्यों कहते हैं कि सभी पेन खराब है, जितने पेन अपने पास हैं यूं कह दें कि सभी पेन खराब है। ये सभी पेन लाल है, सभी पेन लाल नहीं है, एक तो लाल है, खरा है ना? अगर मैं आपको दो तीन पेन बताऊं, ये दो तीन पेन दिख रहे हैं आपको, मैं कह दो दोनों सभी पेन लाल है, तो ये भी लाल है, ये भी लाल है। मैं यू कहूं कि इसमें से कुछ पेन
हरे हैं, कुछ पेन हरे हैं, तो इसमें से तीन पेन है, एक हरा है, कुछ कुछ हरा है, सभी हरे नहीं है। तो इसी तरह इसने कहा है कि इसी तरह इसने कहा है कि कुछ कमरे पत्थर है, ये जो कमरे हैं इसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है, ये वाला हिस्सा पत्थर है, कुछ पत्थर है, सभी पत्थर नहीं है, कुछ पत्थर है, इतना हिस्सा ये क्या है, पत्थर है। फिर क्या है, सभी पत्थर रेडियो है। अब जितने भी पत्थर है, ये पत्थर क्या है, ये सब क्या है, ये रेडियो है। इसने क्या कह दिया उसको, रेडियो, ये जितने पत्थर ये सब क्या है, रेडियो कह दिया। अब वाक्यों पर निष्कर्ष पे चलते हैं, कुछ कमरे रेडियो है, देखिए कुछ कमरे रेडियो है, देखो ये कमरे है, इस कमरे का जो कुछ वाला भाग है ये वाला रेडियो है, पहला सही है इसका, है ना, कुछ कमरे का जो कुछ हिस्सा है ये रेडियो है कि नहीं है, नजर आ रहा, तो ये वाला भाग सही है। फिर कह रहा कुछ पत्थर कमरे है, जो पत्थर का जो एरिया दिख रहा है इसमें से कुछ भाग कमरे है, कुछ भाग कमरे है कि नहीं, यहां पे कुछ भाग कमरे, तो दूसरा भी इसका राइट होगा, यानी इसके दोनों ऑप्शन राइट हो रहे। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए और एक और दो दोनों राइट है, तो कौन सा ऑप्शन राइट लगा, अपन डी ऑप्शन को राइट लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कुछ तो एक सवाल और है, तो बड़े आसानी से अपन समझते हैं इसमें क्या क्या आता है। देखिए अगला तीसरा, देखिए इसमें क्या कहता है, सभी किताबें पेंसिल है, सभी किताबें, देखो ये किताबों का एरिया, ये जो किताबें हैं, ये किताबें हैं, ये सब किताबें क्या है, पेंसिलें हैं। अब सब पेंसिलें हैं, सब पेंसिलें हैं, ठीक है, सब पेंसिल हैं। अब इसने क्या कहा, सभी पेंसिल, जितनी पेंसिल है ये सब क्या है, फूल है। अब जितनी पेंसिल है सबको उसने फूल कह दिया, सब पेंसिल है, फूल बन गई, फूल हो गई। अब क्या कहता है, देखो निष्कर्ष में, देखो पहला निष्कर्ष क्या कहता है, सभी किताबें फूल है। अब देखो सभी किताबें, जितनी किताबें हैं, अब ये किताबें, अब आपने इतने कहा था कि किताबें पेंसिल है, किताबें को क्या कह दिया, पेंसिलों, पेंसिलों को फूल कह दिया, लेकिन जो किताबें हैं ये है तो फूल के अंदर है। यहां आपने बहुत डाउट होता है कि यार ये फूल है कि नहीं है, किताबें तो पेंसिल है ना, किताबें तो पेंसिल है, पेंसिल को इसने फूल कहा, सभी पेंसिलें फूल है, लेकिन जो किताबें हैं ये इस एरिया से बाहर नहीं है, अगर बाहर होती तो इसका हिस्सा नहीं होती, बस ये बात समझना है। अगर ये इसके बाहर निकलती ना, मैं किसका दूसरा वाक्य ऐसा होता हो जाता, इसका दूसरा वाक्य ये हो जाता, ये हो जाता कि सभी पेंसिलें, अगर कुछ पेंसिलें फूल नहीं है, फूल नहीं है, कोई भी पेंसिल फूल नहीं है, तो पर फूल को अलग रख देते, फूल को अलग रख देते, नहीं है तो अलग रख देते, अब है तो अपने अंदर रख दिया। अब इसने कहा कि सभी किताबें फूल है, जो किताबें हैं वो फूल के दायरे में है कि नहीं है, है, तो पहला वाक्य इसका राइट होगा। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं, सभी पेंसिलें किताबें नहीं, देखो इसने क्या कहा, सभी पेंसिलें, जो पेंसिलें, सभी पेंसिलें किताबें नहीं है। अब जितनी पेंसिलें वो किताब नहीं है, जितनी पेंसिलें है ना वो किताब नहीं है, सभी नहीं है, कुछ तो है। अब यहां वाली बात यह आती है कि
इसने क्या कहा था कि सभी किताबें पेंसिल है, पेंसिल को किताब नहीं कहा था, पेंसिल को किताब नहीं कहा था, किताब को पेंसिल कहा इसने। अब ये कह रहा है कि सभी पेंसिलें किताबें नहीं है, देखो ये कह रहा है कि सभी पेंसिलें किताब नहीं है, जितनी पेंसिल है वो किताब नहीं है, सभी नहीं है, कुछ तो है, सभी पेंसिलें किताबें नहीं है, कुछ पेंसिलें किताब है, इसलिए इसका दूसरा वाक्य भी राइट होगा, दूसरा वाक्य भी इसका राइट होगा कि जो पेंसिल है सभी पेंसिल को किताब नहीं कहा इसने, सभी पेंसिल को किताब ने, किताबों को पेंसिल कहा था उसने, पेंसिल को किताब नहीं कहा था, पेंसिल को किताब नहीं कहा था उसने, है ना। तो इसकी बात ये भी सही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें दोस्तों, डी ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक है, अगला चौथा वाक्य देखते हैं। सभी सड़कें खंबे, देखो ये सभी सड़क है, ये सभी जो सड़कें हैं, सड़कें को क्या कह दिया इसने, खंबे कह दिया, खंबे कह दिया। अब कोई भी खंबा घर नहीं है, जो खंबा है वो घर, कोई भी खंबा घर नहीं है, तो घर अलग हो गया। ठीक है, इसमें घर क्या हो गया, अलग हो गया। अब फिर आगे क्या कहा, कुछ सड़कें घर है, जो सड़कें हैं वो घर है। अब सड़क, जो सड़क है ये घर नहीं है, सड़क जो दिख रही है ना ये घर नहीं है, पहला वाक्य है ना, सड़क घर कहाँ है, गलत है। कुछ सड़कें घर है, तो सड़कें घर तो है ही नहीं, घर तो बिल्कुल अलग है। फिर कह रहा कुछ घर खंबे, घर में से कुछ हिस्सा खंबे है, ये भी नहीं है, तो दूसरा भी गलत है। तो न तो एक सही है न दो सही है, कौन सा ऑप्शन राइट हुआ इसका, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।